अगली खबर आ रही गया से, जहां रबर डैम से फल्गु नदी बदहाली के कगार पर पहुंच गई है। रबर डैम के कारण फल्गु में जो थोड़ा सा पानी रहता था आज वह भी समाप्त हो गया। लेकिन लोक आस्था का महान पर्व छठ पूजा नाले के गंदे पानी में ही अर्घ देना पड़ा। अब कार्तिक पूर्णिमा में लोग इसी दूषित पानी में स्नान कर अपना तन मन शुद्ध करेंगे। अजीब विडंबना है कि पूर्व में जब रबर डैम नहीं था तो कम से कम अगहन माह तक घुटने भर पानी फल्गु नदी में रहता था, लेकिन जब से रबर डैम बनने के बाद फल्गु नदी में पानी गायब हो गया है। एक तरफ नाले का गंदा पानी और एक तरफ डैम में रुका हुआ पानी भी बदबूदार और दूषित है। इसी पानी में पवित्र कार्तिक मास में लोग स्नान करने और देश विदेश आने वाले तीर्थयात्री तर्पण करने के लिए मजबूर हैं। नगर विकास परिषद के अध्यक्ष अधिवक्ता मसूद मंजर ने कहा कि हम लोग बीथो वेयर बांध के लिए मांग वर्षों से कर रहे थे। इसका DPR भी बन गया था, लेकिन बीथो वेयर बांध नहीं बनाया गया और उसके बदले रबर डैम बना दिया गया। इसके लिए काफी प्रचार प्रसार किया गया कि इसके निर्माण से फल्गु नदी माता सीता के श्राप से मुक्त हो जाएगी, लेकिन इसका उल्टा असर दिखाई पड़ रहा है। नगर विकास परिषद के महासचिव राम कुमार यादव ने कहा कि फल्गु नदी में पानी नहीं रहेगा तो इसके दोनों किनारों पर अवैध निर्माण से अतिक्रमण कर लिया गया है, इस पर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। अगर बीथो वेयर बांध बना दिया जाता तो सभी घाटों पर पानी रहता और इससे शहर का जल स्तर बढ़ने की संभावना रहती, लेकिन आज पूरे शहर का जल स्तर घट गया है। स्थानीय निवासी राजू मालाकार ने कहा कि आज रबर डैम बनाकर अपराध को न्योता दिया जा रहा है, यहाँ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। वहीं राजद अधिवक्ता प्रकोष्ठ के महासचिव समाज सेविका किरण वर्मा ने कहा कि जिस तरह से नल जल योजना में लूट हुई, जिसके कारण आज तक किसी को एक बूंद पानी नहीं मिला, उसी तरह से रबर डैम भी भ्रष्टाचार की बू आती है। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े दावे की गई कि रबर डैम के निर्माण को लेकर, लेकिन आज इसका दुष्परिणाम दिखने लगा है। गया की धरती पर गया में नगर रबर डैम बनाया गया, लेकिन ये देखा जा सकता है कि एक तरफ रबर डैम बना और उसमें पानी है, लेकिन वो भी जमने के कारण प्रदूषित हो रहा है पानी। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एक तरफ नाला का पानी बह रहा है, वो देखा जा सकता है कि एक तरफ नाला का पानी बह रहा है जिसको मार्केटिंग करके नाला का पानी एक तरफ किया गया, लेकिन एक तरफ कहा जा रहा है, ये देखा जा सकता है कि टोटल दूसरी तरफ भी नाला का ही पानी बह रहा है। यहाँ कोई गंगा नदी का पानी नहीं आ रहा है और हम लोग मांग किए थे कि गंगा नदी, जैसा कि कहा गया कि गंगा नदी आ गई, कहाँ गंगा नदी की पानी है, टोटल नाला की पानी है और टोटल गंदगी व्याप्त है और जिससे फल्गु आज भी अपनी बदहाली पर रो रहा है। लेकिन कुछ चैनल वाले तो दिखा रहे कि नाली का पानी जो है मसरवा नाले का साइड से जा रहा है। नहीं, ये तो सामने देखा जा सकता है, देखने की चीज है कि बीच नदी में नाला का पानी बह रहा है, किनारे भी नाला का पानी बह रहा है। हम लोगों ने मांग किया था कि सोन नदी से गंगा नदी से गया के फल्गु को जोड़ा जाए ताकि गया की पब्लिक को राहत मिले और किसानों को राहत मिले। और विशेषता इस जगह का ये है कि गंगा में स्नान अगर हम करते हैं तो सिर्फ मेरा ही उद्धार होता है, मगर यहाँ पर देश परदेश से लोग आते हैं और यहाँ पर 27 पीढ़ी का और 84 पीढ़ी का उद्धार होता है। ये फल्गु का महत्व इतना है, मगर यहाँ पर के जो लोकल निवासी हैं इस बात को जानते हैं, मगर ऊपर जो बैठे हुए हैं कुर्सी पर शायद उनको जानकारी नहीं, और जानकारी है भी तो इस बात को नजरअंदाज कर दिया। वो मनसरवा का पानी पहले बहता था, वो बीच रास्ते से निकलता था और जाकर के कुछ दूर पर उलट हो जाता था, सूख जाता था। मगर अब है क्या कि जब से ये घाट बना है, आप जाकर के उस घाट को देखें, कौन घाट, ये गायत्री घाट, गायत्री घाट से देव घाट तक के केवाड़ी है तो लैटिंग सीट गायब है, अगर लैटिंग सीट है तो केवाड़ी गायब है, छत्ता टूटा। अब देखिए पूरा कितना बदहाली का सामना कर रहा है। नंबर एक वो कार्तिक स्नान का पर्व भी महिलाएं इसी में करेंगे, इसी नाले के पानी में। उधर तो डैम है, गया का पूरा आदमी तो शायद उधर नहीं जाएगा, इधर का जो लोकल आदमी इधर ही आएगा, उधर का लोकल आदमी उधर ही जाएगा। तो डैम के पानी जो उधर है वो स्वच्छ है? स्वच्छ कहाँ, नाले का पानी है, आप जाके देख सकते हैं। कुछ मीडिया वालों का कहना है कोई कचरा और कोई गंदगी का अंबार नहीं रहता है, तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आ करके और यहाँ देखें, मतलब देखा और देख करके बताएं कि यहाँ पे कचरा है या स्वच्छ है। हम लोगों ने जो लड़ाई लड़ा था फल्गु नदी में वेयर बांध बनाने के लिए, उससे कई तरह की समस्याओं का समाधान हो सकता था। अगर बीथो में वेयर बांध बनता तो
पूरे शहर में ये फल्गु नदी में जो अभी आप देख रहे हैं, ये मामूली रबर डैम के लिए जो दीवार बनाई गई है, दीवार के उस तरफ कितना पानी है और इधर कितना पानी, ये तो साक्षात है आपके देखने की चीज। अगर रबर डैम बन जाता बीथों में तो पूरे शहर के अंदर पानी का लेयर होता। और ये देखिए, ये जो पहाड़ है ये अतिक्रमण करने के लिए बनाया गया है पूरे शहर के अंदर। अभी जो छठ की व्रत आया है इसके पूर्व में बहुत पहले से लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे। किस लिए? इसलिए कि यहाँ जो है सो नदी में प्रदूषित अपने बदहाली पर रो रहा था, तो हम लोगों ने कहा कि अगर मान लिया इधर सोन का पानी आ जाए और मिनी बियर बांध यहाँ बन जाएगा और वाटर सीवरेज पॉइंट वहाँ बन जाएगा, पाइपलाइन से जाएगा पानी वहाँ, और वाटर सीवरेज बनाकर वो पानी को खेतों में पटेगा और जो कचरा बचेगा उसका खाद बन जाएगा, और बाकी 6 फीट से बेसी पानी होगा वो गांव उधर बह जाएगा। लेकिन इससे गया की जनता को, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को काफ़ी लाभान्वित होता, जबकि सोन का पानी ये बगल तक यहाँ तक आया हुआ है, यहाँ से यहाँ लाने में कोई खास खर्चा की बात नहीं था। कहाँ तक आया हुआ है? ये आपको औरंगाबाद तक आया हुआ है, औरंगाबाद के इधर तक पहुँच आया हुआ है, उसको खाली ले आना है, ले आके मोराटाल में गिरा देना है। अब रह गया यहाँ, उससे इस इलाके में भर पानी दूषित वातावरण हो गया, दूषित पानी हो गया, क्योंकि ये नाला का पानी जो बह रहा है इससे जितने भी नगर निगम के द्वारा वो बोरिंग हुआ है वो सब पानी वाटर सीवरेज कर रहा है, और सीवरेज करके सब चापाकल, सब मोटर, सब खराब पानी, दूषित पानी हो रहा है।